अखिलेश यादव ने शेयर की नामांकन की पुरानी फोटो, लिखा फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। सुब्रत पाठक का परिवारवाद पर हमला, कहा अखिलेश ही मुख्यमंत्री क्यों बने, और भी लोगों को मिलना चाहिए मौका, मुलायम सिंह के बेटे होने के अलावा उनके पास कौन सी योग्यता। नहीं बिल्कुल, देखो परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ तो राजनीति होती है, लोग चाहते ही हैं क्या तुम्हारे घर का तुम्हारा ही बेटा मुख्यमंत्री बनता रहेगा, क्या हमारा बेटा नहीं बन सकता क्या, ये कौन सी बात हुई भाई। सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश की सोच पाकिस्तान जैसी, तुष्टिकरण को बढ़ावा दे रहे अखिलेश यादव। चुनाव है उसी प्रकार से, अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजते, भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था नहीं, किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा, और जीतना भारत को ही है कोई भी वर्ल्ड कप हो। सुब्रत पाठक ने किया जीत का दावा, कहा देश की जनता समझ गई है 400 पार, 4 जून को अखिलेश की होगी हार। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बोले शिवपाल यादव, कहा बीजेपी नेताओं के यहां आने से कोई फायदा नहीं होगा, अखिलेश यादव बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, सुब्रत पाठक कन्नौज में टिक नहीं पाएंगे, कहा शिवपाल यादव। अखिलेश यादव जीतेंगे, और देखिए इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, तो ये तो देख लेना सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा निचले स्तर पर पहुंचा एनडी गठबंधन, महिला का मंगलसूत्र भी ले लेगी कांग्रेस। इंडी घमंडिया टुकड़े टुकड़े गैंग अब इतने नीचे स्तर पर उतर गई है कि देश की महिलाओं की आधी संपत्ति मंगलसूत्र तक ले लेगी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल के बयान में गंभीरता नहीं, राहुल का बयान सिर्फ मनोरंजन के लिए। देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या है, लोग हंसते हैं उनकी बात। चुनाव लड़ने पर ब्रजभूषण सिंह का बयान, कहा 27 अप्रैल को टिकट का करेंगे इंतजार, 29 अप्रैल से करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, का हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर नहीं थी रोक, आरोपियों ने नष्ट किए 178 मोबाइल फोन, आम आदमी पार्टी ने ईडी को बताया बीजेपी की टूलकिट। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हौज खास मेट्रो स्टेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के सर्वे का 35वां दिन, परिसर में एसआई की टीम मौजूद, सर्वे का काम लगातार जारी। पटना के होटल में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखे काले धुएं का गुबार, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का टोही विमान हुआ क्रैश, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने तरन तारण जिले में बरामद किया चीन निर्मित ड्रोन, नशीले पदार्थ की सप्लाई के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका, इलाके में तलाशी अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिला बदर बदमाश आलम मीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में पीआरडी के जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों में कोहराम मचा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, बांदीपोरा के कई गांव में बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर सेना का तलाशी अभियान जारी। मुंबई में सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, सिलेंडर विस्फोट के बाद लगी आग, हादसे में एक की मौत, एक की घायल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के बलिया में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर खाई में पलटी गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की मौत। जापान में एक बड़ा हवाई हादसा होते होते बचा, उड़ान भर रहे एक विमान में अचानक धुआं उठने से मचा हड़कंप, आनंद फानंद में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है, उनका कहना है कि कांग्रेस देश को बर्बाद करना चाहती है, साथ ही वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण में डकैती डालने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही, उनका कहना है कि कर्नाटक में 32% मुस्लिम आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है, कन्वर्टेड मुसलमानों को कांग्रेस आरक्षण देगी,
मुस्लिमों के एक हिस्से को कांग्रेस दलित बनाएगी, मुस्लिमों को ये ओबीसी का 6% आरक्षण देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण में डकैती की इनकी साजिश है और इनकी इच्छा देश के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला। कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुत्सित कुचेष्टा का एक हिस्सा है। ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट में ये भी था कि दलितों को भी, यानी जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं मुसलमान, उन लोगों को भी दलित का एक हिस्सा, मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है जिसको दलित का पार्ट बनाया जाए, दलितों को मिलने वाले जो सुविधाएं उसके अनुसार भी उनको ट्रीट किया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो चाहे वह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट के समय रहे हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का प्रयास था। आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। ये चीज़ें क्या है? ये सच उजागर होने हो रहा है और कांग्रेस के कुछ सांसद भी सैम पैत्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं, जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं वे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं, उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं और दूसरा विरासत टैक्स के आधार पर पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने सुना, विरासत टैक्स को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं लगातार इस मामले पर कांग्रेस पर बीजेपी नेता हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर बड़ा बलात्कार किया है, सवाल पूछा है और जनता से कहा है कि उनकी संपत्ति पर नजर है, आम लोगों की संपत्ति पर नजर है कांग्रेस की। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है, विरासत टैक्स को लेकर निशाने पर लिया है कांग्रेस को और कहा है कि संपत्ति पर नजर है आम लोगों की, जो कांग्रेस है उसकी नजर आम लोगों की संपत्ति पर। और कुछ कहा सुनवाते हैं आप। कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद